मन को एक जगह ठहराने में एक बार पढ़ोगे तो एक ही बार भी याद हो जाएगा। वापस अब बाएं पैर से दाएं पैर की एडी को मूलाधार से लगाएं और दोनों हाथ सर अपने आप को रोके वापस। ये था वृक्षासन। अब तीसरा है उत्तान को पाद हस्तासन। दोनों हाथ श्वास को भीतर लेते हुए और दोनों हाथ जितना पीछे जाए उतना लेके जाओ। और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को जमीन से स्पर्श करा दें। श्वास लेते हुए एक बार पुनः कर दे पीछे जितना झुक सकते हो अपने आप को झुकाए। जिनको सिल्फिक्स कमर में सर्वाइकल स्पोंडाइटिस हो वो इस आसन को ना करें। स्टैंड को पूरा खोल दे ऐसे लगाओ दोनों अंगूठों को और श्वास को भीतर लेते हुए जितना पीछे अपने आप को झुका सकते हो झुकाओ। सन्यास जो अपन कर रहे हैं आसानी से विपरीत दूसरा पैर बायां दायां पैर जैसे सामने तरफ ऐसे ही बाईं तरफ झुक जाएं और ये क्रिया दूसरी बार फिर करेंगे दाएं तरफ। इस आसन के जो कमर पे चर्बी फैट और मोटापा इस आसन से बहुत जल्द मार मिलता है। ये खड़े होने वाले योगासन आसन पूर्ण हुए। अब बैठ जाए और भद्रासन। भद्रासन दोनों पैर सामने दोनों पैर आदि बाल्टी नहीं दोनों पैर सामने दोनों हाथ कमर के बराबर ऐसे नितंबों के पास लगते हुए एकदम अलग मुद्रा ऐसे नहीं अरे ऐसे नहीं ऐसे एकदम अलग मुद्रा। ये है भद्रासन। भद्र सब ऐसे 10 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहे। पर हिलाने की नहीं अपने को जो प्रोटोकॉल के तहत जो आदेश मिला है वो गाइडलाइन ये है सामान्य। इसका दूसरा चरण दोनों पैरों को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के दोनों एड़ियों को मूलाधार से लगा के और ऐसे बैठे हिलाओ मत। सामान्य तिजुनुमासम तो वैसे कर सकते हैं अपन लेकिन अपनी गाइडलाइन में यही है। ये भद्रासन का द्वितीय चरण। अब दोनों पैर सामने और अपने को बैठना है वज्रासन। दोनों पैरों पे ऐसे दोनों एड़िया बाहर की तरफ निकली हुई ये है वज्रासन। दोनों हाथ घुटनों पे खाने के बाद खाना खाने के बाद शाम को इस स्थिति में 10 से 15 मिनट तक बैठ जाएं। हाजमा डाइजेशन खाना खाना अपने आप हजम हो जाएगा और हाजमा बहुत सही रहेगा। ये वज्रासन है। इससे अगला अर्ध उष्ट्रासन
ऊंट दो बार बैठे थे, अब दुष्टासन आधा, दोनों घुटनों पे ऐसे खड़े हो जाए और दोनों हाथ नितंबों पे ऐसे हथेलिया नीचे की तरफ, श्वास को भीतर लेते हुए जितना अपने को झुका सकते हैं पीछे झुकाए। वापस अपने आप को यहीं रोके, जिनको घुटनों कमर संबंधी प्रॉब्लम हो दिक्कत हो वो ना करें। एक बार फिर श्वास को लेते हुए और पीछे जितना झुका सकते हैं झुके, वापस और बैठ जाए इसी वज्रासन की मुद्रा में। अब अगला है ऊर्ष्टासन, जैसे ऊंट पूरा बैठता है, दोनों घुटनों पे दोनों पंजे जो ऐसे खड़े हुए और दाया हाथ से दाया पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को श्वास लेते हुए पीछे। वापस इनको दिक्कत हो वो न करे। एक बार फिर श्वास को भीतर लेते हुए और पीछे देखो, ये कमर के लिए घुटनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, पूर्ण उष्ट्रासन। वापस अब सामान्य भद्रासन की स्थिति में बैठ जाए। ये अपना उष्ट्रासन का जो है पूर्ण उष्ट्रासन पूर्ण हुआ। अब इसके बाद है शशंकासन, दोनों पैर पीछे ऐसे, शशंकासन मतलब खरगोश आसन, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए और ऐसे श्वास को छोड़ते हुए ठुटनी को जमीन से लगाते हुए। सामने एकदम टकटकी लगाए रखे। वापस एक बार फिर पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे ठुटनी लगा के जमीन से और सामने देखे। वापस ये शशंक का आसन। अब अगला है उत्तान मंडू का आसन, मेंढक आसन, दोनों पैरों में से खोले किसी स्थिति में बैठे रहे, दोनों पैरों में से सामने से और दाएं हाथ से बाया कंधा और बाएं हाथ से दाया कंधा और ऐसे सामने, जैसे मेंढक अपनी शिकार के लिए टकटकी लगाए बैठा रहता है ना, ऐसे एकदम सामने। ये है उत्तान मंडू का आसन। एक बार वापस फिर करें, दाएं हाथ से बायां और बाएं हाथ से दाएं कंधा और सामने। वापस दोनों पैर सामने। अगला है वक्रासन, ये दाहिने पैर फैला हुआ, बायां पैर दाहिने पैर के पीछे मतलब मूलाधार से यदि को लगाते हुए जो पैर फैल रहा है वही हाथ, जो पैर सीधा फैल रहा है वही हाथ ऊपर और ऐसे ले जाके और यूं घुटने को पकड़े और बाईं तरफ पीछे देखे, पीछे एकदम प्रधान जी ठीक ना करा, जो हाथ उठो के ऊपर पकड़ के जाओ, हाँ और फिर बोला पकड़ो ऐसे पीछे की तरफ देखो, ये देखो कमर में, कमर बहुत ही फ्लेक्सीबल ये बनेगी और साइड में जो है ना मोटापा इसे एकदम दूर होता है। वापस बायां पैर फैला हुआ, दायां पैर के साथ में लगता हुआ और जो पैर फैल रहा है वही हाथ, जो पैर फैल रहा है ऐसे ले जाके और यूं ऐसे देखो पीछे की तरफ। अगर ना करें तो शायद रोटी ना करें, एकदम पीछे कमर को। एक बार फिर हर आसन प्राणायाम को अपने को दो बार तो कम से कम करना ही है।
वापस ये बैठने वाले जो अपने को सात आसन से ये पूर्ण हुए, अब लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे पेट संबंधी। हाँ, अब बाई करवट लेके बाई करवट लेके ऐसे पेट के बल लेट जाए, बाएं आगे से कर ले। हाँ, ताई हथेली नीचे, बाई हथेली उसके ऊपर, और दोनों पैर भाई, ताई हथेली नीचे और बाई हथेली उसके ऊपर, इसके ऊपर ठुड्डी लगा दो। ये है मकरासन, मकरासन मतलब मगरमच्छ की तरह पधारो, ये है मकरासन। ऐसे मकरासन बेटा, लात मत मार आगे पीछे होते, हमारे सामने करो गड़बड़, ऐसे नहीं। ये है मकरासन, जैसे अपने को रिलैक्स आराम मिलता है। इसके बाद में दोनों हथेलियां कंधे के बराबर, अगला है भुजंग आसन। भुजंग मानी सर्प आसन, और कमर तक अपने आप को उठा दे। ये भुजंग आसन कमर तक, सारे नहीं केवल कमर तक, दोनों पैर पीछे एकदम बराबर। वापस एक बार फिर श्वास को भीतर लेते हुए और कमर तक उठाए, भुजंग आसन सर्प आसन। वापस एकदम फिर थोड़ी मगरमच्छ वाली स्थिति में सामान्य हो जाओ, आराम मिलता है। अगला है सर्वासन, दोनों हथेलियां दोनों जंघाओं के नीचे, हथेलियां दोनों जंघाओं के नीचे, हथेलियां ऊपर की तरफ, और श्वास को भीतर लेते हुए 30 डिग्री तक दोनों पैरों को सीधा, एकदम एकदम, अरे भाई ऐसे नहीं है, एकदम ऐसे सीधे। देखो कितना जोर आ रहा है, बहुत जोर पड़ता है। वापस वापस एक बार फिर करें सलवासन, जिनकी धरण बार बार डिगती हो, पेट का डाइजेशन खराब हो, इस आसन से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। वापस अब बाई तरफ घूम के और सीधे पीठ के बल लेट जाए, पीठ के बल, मेरे बच्चों ये बहुत ही लाभदायक आसन है, आनंददायक आसन है, आपको करो और दूसरे को करवाओ। अगला है सेतु बंधासन, दोनों पैरों को नितंबों से लगाते हुए और पकड़ के बीच में से शरीर को ऐसे उठा दो, ये लो इसको हावड़ा ब्रिज बना दो, ऐसे उठा दो। हाँ, ये है सेतु बंधासन, जिनको कमर में अरणिया का कोई ऑपरेशन इस तरीके से करा हुआ है वो न करे। वापस एक बार फिर श्वास को लेते हुए और अपने आप को बीच में से उठा दे। बेटा पापा को मत बताओ, आप ही कर रहे हो। वापस सामान्य पैर को सीधा। अगला है उत्तान पादासन, दोनों हथेलियां जमीन से लगी हुई और अपने आप दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर 30 डिग्री तक, ऐसे 30 डिग्री तक उठा दे, केवल ज्यादा नहीं। ये देखो, रोको अपने आप को, रोको। वापस
एक बार फिर अपने आप को रोको रोको यहां रोको, कम से कम 10 से 15 सेकंड तक तो रोको। अरे भाई आपने तो 90 डिग्री का कोण कर दिया नीचे। अगला है अर्धहलासन, दोनों पैर एकदम 90 डिग्री का कोण में और कमर कमर जमीन से लगी हुई, ऐसे बीच में से उठो मत, एकदम सीधा 90 डिग्री का कोण। वापस धीरे धीरे एकदम ऐसे जमीन पे दोनों पैरों को एकदम मत पकड़ो, धीरे 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 वापस एकदम श्वास को लेते हुए और फिर अर्धासन 90 डिग्री के कोण में दोनों पैरों को सीधा वापस थोड़ा सा। अगला है पवन मुक्तासन, पवन मानी वायु, मुक्तासन मानी मुक्त होना, गैस आहा बहुत ही मस्त जो है। एक पाया पाया पैर को दोनों हथेलियों से ऐसे पकड़ के और नासिका से स्पर्श कराए, ऐसे नासिका से स्पर्श कराए। वापस दाया पैर को पकड़ के और फिर नासिका से स्पर्श कराए, दोनों पैरों को एक साथ और नासिका से स्पर्श करा दे, दोनों पैरों को एक साथ। ये देखो अशोक जी बहुत जोर पड़े बना लाग रहा लगाओ ना वापस। एक बार फिर दोनों पैरों को एक साथ वापस। अगला है श्वासन, श्वासन मानी मृत अवस्था में पड़े रहे, दोनों पैर फैले हुए, हाथ एकदम जमीन से स्पर्श और अपने सर को एक तरफ जैसे बाईं तरफ ऐसे लुढ़का दे, आंखें बंद, जैसे श्वासन उस मुद्रा में अपने आप को रिलैक्स करना है एक मिनट के लिए। भाई बात मत करो, ये तो श्वासन बिल्कुल उस अवस्था में पड़े अपन को आप बोल रहा तो। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाके और ऐसे आपस में रख रहे और गर्म होने के बाद चेहरे पर रगड़े और बाईं तरफ घूम के और हंसते हुए बैठ गए बाईं तरफ। ये अपना आसनों का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अब है कपाल भाति प्राणायाम, ये है सुखासन, ये पद्मासन और ये शीर्षासन, जिस भी स्थिति में बैठ सकते हो बैठे। कपाल भाति दो मिनट करनी है, एक सेकंड में एक स्ट्रोक ऐसे। सांस कंधे मत उठाओ, ऐसे नहीं ऐसे। Thank you.
भी करते रहे, पेट संबंधी जितने विकार हैं, किडनी, यूट्रस, वो सभी रोग इससे दूर होते हैं। अगला है अनुलोम विलोम। दाएं हाथ से दाई नासिका को बंद करके और बाएं से गहरा लंबा श्वास लेके और फिर दाएं से छोड़े, फिर दाएं से खींचे, एक नाक से खींचे और दूसरे से छोड़े, एक मिनट तक करना है अपने को। सामान्य ये था अनुलोम विलोम। अब अगला है शीथली, जीभ को बाहर निकाल के और ऐसे गोल गोल सुरभि को से मुंह करके और अंदर खींचे, मुंह से खींचे और नाक से छोड़े, छाले, घाव, उच्च रक्तदाब और प्यास लगी हो और पानी की बहुत देर बाद मिलने की आशंका हो तो शीतली करें, तुरंत लाभ मिलता है। अगला है भ्रामरी, दोनों हाथ सामने, तीन अंगुलियां आंखों पे और एक ऊपर अंगूठे, अंगूठों से कान बंद और गहरा लंबा श्वास लेके और भौंरे की तरह ओम का उच्चारण करता है। एक बार फिर और आंखें बंद रहनी चाहिए,
आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पे, और अब 3 मिनट तक ध्यान लगाएंगे। रतिराम जी बता दीजिए वहां 3 मिनट होता है। 3 मिनट तक ध्यान लगाओ, अपने इष्ट देव को याद करके अपने आप का मंथन करो। सोचो ध्यान को केंद्रित करें अपने मस्तिष्क के मध्य भाग आज्ञा चक्र पर। ध्यान को विचलित नहीं होने दें। अगर ध्यान विचलित होता है, इधर उधर भटकता है, तो उसको रोक के और अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अपने इष्ट देव की प्रतिमा को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर उस पर ध्यान को केंद्रित करें। दोनों हाथों को जोर जोर से रगड़ो, आपस में गर्म करो, चेहरे पर गोल गोल घुमाए और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए। हंसते हुए, स्माइलिंग फेस, हंसते हुए देखो कितना नया संग्रह। अगला है संकल्प। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलोगे। संकल्प कि योग के लिए अपने को संकल्प करके ही जाना है, खुद को करना है और दूसरे को कराना है। मैं संकल्प लेता हूं कि ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य
और सौहार्द के प्रति कृत संकल्प हूँ। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कशिश दुख भाग भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ये आज का जो अपना प्रोटोकॉल का योग कार्यक्रम था वो हो गया है। अब अपने बीच में श्रीमान जी, एसडीएम साहब, प्रधान जी और भी काफी लोग पधारे हुए हैं जो योग के बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको। श्रीमान जी, एसडीएम साहब, आप सभी को नमस्कार। आज जैसा हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए, 21 जून को हर साल मनाया जा रहा है, तो यहाँ जो भी हमारे आचार्य जी उपस्थित हैं, हमारे ब्लॉक लेवल के सभी अधिकारी कर्मचारी, पानसूर ब्लॉक के सभी जन सामान्य जो यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, तो आप सभी ने आज योग अभ्यास किया और मुझे लगता है आज हम सबको अपने फिटनेस लेवल का पता चल गया होगा। तो अगर हम रेगुलर योग करेंगे तो फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। योग का मतलब है हमारे तन, हमारे मन, हमारी आत्मा का योग। योग करने से केवल हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता, हमारा मन, हमारा चित्त ये भी स्वस्थ होता है, पवित्र होता है। ये योग की महत्ता है और इसी वजह से हमारे जो पुरातन ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने योग को इतना इम्पोर्टेंस दिया। योगासन में वो सालों साल निकाल देते थे। तो इससे चित्त, तन, मन सब स्वस्थ रहता है, सब शांत रहता है। और जब हमारा तन मन स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, तो हम संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम सुखी तभी रहेंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग प्रातः अगर हम रोज करें, योग की 8 विधाएं होती है, अगर हम उसमें से 1 या 2 भी रोज नियम से कर लें तो उससे हमारा शरीर, तन, मन सब स्वस्थ और शांत रहेगा। तो आज हमने बहुत सारे योगासन सीखे, उसके लिए आचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि इन्होंने इतने सारे हमें योग प्राणायाम सिखाए हैं। और मुझे लगता है यहाँ जो भी हम लोग उपस्थित हैं हम सभी नित्य रेगुलर योग करेंगे और उसके लाभ हमें मिलेंगे। हमें बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और योग से हम वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी हमारे बीच में सीबीओ साहब श्री मनोज सिंह जी शेखावत जी है, वो भी 2 शब्द आपको योग के बारे में जानकारी देंगे। परम सम्मान्य उपखंड अधिकारी जी, सम्मान्य प्रधान जी, सभी मंच पे उपस्थित हमारे सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे भाई बहन बच्चों, मैं इस माध्यम से यद्यपि साहब ने आपको बता दिया है, एसडीएम साहब ने, योग वास्तव में महर्षि पतंजलि जी जिन्होंने अष्टांग योग के नाम से एक ग्रंथ लिखा और प्राचीन काल में पूरे भारतवर्ष में योग प्रचलित था। मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में कहीं ना कहीं इस योग का वर्णन आया है। आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये उस अष्टांग योग का 3रा पार्ट है, आसन, 4था प्राणायाम, यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। वास्तव में यदि हम जीवन में, आप सब लोग यहां बैठे हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिनको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, वो सारी उपलब्धि आप इस योग के माध्यम से कर सकते हैं। और आप सारे प्राणायाम, सारे योग, सब चीजें नहीं करके चाहे आप 2-3-4 अपने जीवन में उतार लें, लेकिन नियमित रूप से करें आप,
निसंदेह है, मेरा ये मानना है कि संसार में आज जितनी भी समस्याएं चल रही है 99% वो समस्याएं योग के माध्यम से पूरी हो सकती हैं, क्योंकि धीरे धीरे योग हमारे आसन को भी ठीक करता है। बहुत लंबा विषय है, मैं समय को क्योंकि यहाँ प्रधान जी भी बोलेंगे सीमित करते हुए मेरा यही निवेदन रहेगा आपसे कि आप इसको जितना जल्दी हो सके जीवन में उतारें और नियमित रूप से आप करें। हमारा जो ये शरीर है ये तीन गुणों पर आधारित है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। जैसे जैसे आप इस योग को नियमित रूप से करेंगे आप में सत्व के गुण की वृद्धि होती जाएगी, आप महसूस करेंगे। और ये जितने भी आज हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, सरकारी में, अभी डॉक्टर साहब कहेंगे कि हमारी तो आप बंद ही कर देंगे दुकान को, आप की चक्कर लगने बंद हो जाएंगे। निसंदेह ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बात आ रही है जो अभी रामदेव जी ने इसको जिस तरह से फैलाया है। मैं जब से स्टूडेंट लाइफ में था दो तीन योगासन मैं करता था और आज आपके सामने बिल्कुल मैं फिट नजर आ रहा हूँ। 59 वर्ष की मेरी जो है उम्र हुई है, तो मैं इसको प्रत्यक्ष आपको इस माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको जीवन में उतारें, स्वस्थ रहें और जितना मतलब आप जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिल सकता है। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। इसी विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, वैसे तो सभी को पता है अपने बाल सूर्य इसी प्रांगण में सुबह 4:30 से 6:30 के बीच में योग क्लास पिछले 5 साल से लगातार चलती आ रही है। दिन में साल में 365 दिन चलती है, कोई छुट्टी नहीं होती है। और हम सुबह 4:30 बजे फिक्स यहाँ पहुंच जाते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा कैसा भी मौसम हो हमारी क्लास चलती रहती है। हमारा एक छोटा सा डेमो हम दिखा देते हैं जो हमारे योग के वो है अनिल जी, राजकुमार जी थोड़ा सा साइड में हो जाएं, अनिल जी एक आध आसन दिखाएंगे। इसी बीच में मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि 200 मत आशीर्वाद के हमें भी देखता भी हो। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, ये सारे आसन हमारे जो इनके जस्ट पीछे बैठे 4-5 आदमी जिनकी उम्र 63, 64, 65 ये सारे सभी आसन करते हैं यहाँ पर सुबह सुबह। ये अकेले नहीं करते, हमारी सारी टीम सारे आसन करती है यहाँ पर। धन्यवाद आप लोगों को। हाँ जी, आज हमारे बीच पधारे एसडीएम साहब जी ने खुद ने इसको कमांड किया है। ईओ साहब कई बार यहाँ की व्यवस्था देख के गए हैं, जो भी कमियां थी उनको दूर करवाई है। आप सभी लोगों का, जो भी अधिकारीगण, प्रधान जी आप सब पधारे, इसको सफल बनाने में जिसके भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, आप आए इसको सफल बनाया, इसके लिए सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय भारत।